नमस्कार, द लीडर हिंदी के बरेली बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अपने प्रस्तोगी। आइए फटाफट अंदाज में जानते हैं कि आज बरेली में दिन भर क्या रहा। कार ने बाइक को मारी टक्कर, बेटे की मौत, मां घायल। कोयलड़िया थाना क्षेत्र में ज्योति जागीर गांव निवासी 40 वर्षीय उमेश राठौर मां प्रेमवती के साथ बाइक से पीलीभीत में बरखेड़ा के गांव गाजीपुर कुंडा में मौसेरी बहन की सगाई में गए थे। वहां से लौटते वक्त मंडनपुर गांव के पास दोहवा नदी के पुल के पास सामने से आ रही तेज रफ्तार कार ने उनकी बाइक में जोरदार टक्कर मार दी थी। हादसे में उमेश की मौत हो गई थी, जबकि मां प्रेमवती गंभीर रूप से घायल हो गई थी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। क्या नाम आपका? ओमकार। ओमकर, कहाँ रहते हो आप? सरदार नगर। अच्छा, ये कौन थे, कैसे हादसा हुआ था? ये गाजीपुर से आ रहे थे अपने गांव के लिए जोधागिरी, तो बाहर मंडनपुर के पुल के पूरब में फोर व्हीलर से एक्सीडेंट हुआ था। अच्छा, कहाँ से आ रहे थे, क्या करने गए थे? रिश्तेदारी में गोद का प्रोग्राम था, वहाँ गए थे। कितने लोग थे ये? दो लोग थे, इनकी माँ और थे। किस चीज़ से टकराए? फोर व्हीलर, ये नहीं पता इको थी या कोई कार थी। कब का हादसा है ये? शाम 6:30 बजे। कितने लोगों की मौत हुई है? एक। माता जी के चोट आई है ये दाहिने मुड्ढे पर। करते क्या थे जो मृतक हैं? यही खेती किसानी। डंपर ने बाइक को मारी टक्कर, महिला की मौत, दो घायल। आंवला थाना क्षेत्र के गांव अवदानपुर निवासी विकास मां भगवान देवी और पिता राजेंद्र के साथ बाइक से मंडोला गांव में मौसेरी बहन की शादी में शामिल होने जा रहे थे, तभी अलीगंज रोड पर तेज रफ्तार डंपर ने बाइक को टक्कर मार दी। इसमें भगवान देवी की मौके पर मौत हो गई थी, जबकि पिता पुत्र घायल हो गए थे। मौके पर पहुंची पुलिस ने डंपर को कब्जे में लेकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। पुलिस ने डंपर चालक की तलाश शुरू कर दी है। क्या नाम आपका? विशाल। विशाल जी, कहाँ रहते हो? आंवला अवदानपुर में रहता हूँ। अच्छा, क्या कौन थी, क्या हादसा हुआ था? मम्मी जी मेरी आया था, वो जा रही थी शादी में अपनी बहन के लिए। अच्छा, आया था, एक्सीडेंट हुआ उसके कदम पर से। अच्छा, मोटरसाइकिल जा रही थी, मम्मी थी, पापा थे और छोटा भाई था। डंपर वाले टक्कर मारी थी और कट मार के ले जा रहे थे, तक नहीं कि मम्मी आ गई। कहाँ की घटना है ये? अलीगंज बाद रोड की। अच्छा, कितने लोगों की मौत हुई इसमें? सर मम्मी की मौत, चोट भी आई किसी? चोट मम्मी की आई थी, मम्मी तो खत्म हो गई, पापा का थोड़ी बहुत आई होगी। कब का हादसा है? कल का हादसा। रेलवे क्रॉसिंग पर कोहरे के कारण ट्रेन की चपेट में आया युवक। मीरगंज थाना क्षेत्र के गांव हुरूरी निवासी 37 वर्षीय महिंद पाल शुक्रवार सुबह करीब 7 बजे बाइक से अपने ससुराल ग्राम नगरिया कल्याणपुर से आ रहे थे। बाइक पर पत्नी और बच्चे भी सवार थे। रास्ते में पड़ने वाली रेलवे फाटक बंद था, इसलिए महिंद ने पत्नी और बच्चों को पैदल रेलवे फाटक पार कराया और खुद फाटक के नीचे से मोटरसाइकिल निकालने लगे, तभी अचानक ट्रेन आ गई। कोहरे के कारण उन्हें ट्रेन आने का अंदाजा नहीं हुआ और उसकी चपेट में आ गए, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। क्या नाम है आपका? नवीन सर। कहाँ रहते हैं आप? मैं बरेली में रहता हूँ। जी, कौन थे, क्या हादसा हुआ था? ये मेरे भाई रहते हैं। क्या नाम है इनका? महेंद्र सर। कहाँ के रहने वाले हैं? ये हुरूरी, हुरूरी थाना मीरगंज। क्या घटना हुई थी इनके साथ? घटना ये सुबह रात में दावत में गए थे उधर मीरगंज साइड में, नगरिया पे साइड में, तो वहाँ से सुबह 7 बजे आ रहे थे बच्चों के साथ में, इनकी पत्नी की सिस्टर हमारी और दो बच्चे थे छोटे, तो कोहरा ज़्यादा था, फाटक से निकल रहे थे तो बच्चे तो निकल गए, ये हमारे मौसा जी हैं, इनके दामाद थे, तो वहाँ से निकल के जब पार हो गए तो इनको आवाज़ देते रहे लोग, पता नहीं चला मतलब कि क्या हुआ, ट्रेन आ गई और ट्रेन से इनकी बॉडी पूरी कर गई है बीच में से। क्या करने गए थे ये नगरिया? ये दावत कर रहे, इनकी ससुराल है वहाँ पर, हमारी मौसी वहीं रहती है नगरिया में। सुबह का हादसा है ये? हाँ, सुबह का हादसा। क्या करते थे ये? इनका मेडिकल, मेडिकल चला। कितनी उम्र होगी? 35-37 साल है। बरेली क्लब ग्राउंड में 3 दिवसीय बिल्ड एक्सपो का शुभारंभ। आर्किटेक्ट एसोसिएशन के स्थापना दिवस पर शुक्रवार को बरेली क्लब ग्राउंड में 3 दिवसीय बिल्ड एक्सपो का आगाज हुआ। बरेली विकास प्राधिकरण के वीसी जोगेंद्र सिंह ने फीता काटकर एक्सपो का शुभारंभ किया। इसमें देश भर की भवन निर्माण संबंधी नामी कंपनियों ने अपने स्टॉल लगाए हैं। इसमें घर के इंटीरियर से लेकर डेकोर तक की सभी नए ट्रेंड्स की जानकारी मिल सकेगी। सीडीओ ने विकसित भारत संकल्प यात्रा में दिलाई पंच प्रण की शपथ। मुख्य विकास अधिकारी जग प्रवेश की अध्यक्षता में विकास खंड फरीदपुर के ग्राम पंचायत रजऊ परसपुर में विकसित भारत संकल्प यात्रा का आयोजन किया गया। इसमें सीडीओ ने लोगों को पीएम मोदी द्वारा लाल किले की प्राचीर से 2047 तक भारत को विकसित देश बनाने के लिए बताए गए पंच प्रण की शपथ दिलाई गई। इस अवसर पर पीएम आवास योजना के लाभार्थियों को प्रतीकात्मक चाबी भी प्रदान करी गई। विधायक ने किया हॉट कुक्ड मील योजना का शुभारंभ। मीरगंज विधायक डॉक्टर डीसी वर्मा ने शुक्रवार को तहसील फरीदपुर में विकास खंड फतेहगंज पश्चिमी के ग्राम पंचायत कुलछा में आंगनबाड़ी केंद्रों का शिलान्यास व हॉट कुक्ड मील योजना का शुभारंभ किया। इस अवसर पर बच्चों का अनुप्राशन कराया गया व गर्भवती महिलाओं की गोद भराई भी कराई गई।
नशे के कारोबार पर सिकंजा, स्मैक और अफीम तस्कर गिरफ्तार। पुलिस लगातार नशे के काले कारोबार पर सिकंजा कस रही है। फतेहगंज पश्चिमी पुलिस ने 4 स्मैक तस्करों, तुशाई पुलिस ने अफीम तस्कर को गिरफ्तार किया है। फतेहगंज पश्चिमी पुलिस ने भोले शाह मजार के पास से वासु, हसन, सलीम, भूरा और फहीम को गिरफ्तार किया है। उनके कब्जे से 47 ग्राम स्मैक बरामद हुई। वहीं शाही पुलिस ने गांव खरसैनी के पास रसूलिया पुलिया से नन्हे को गिरफ्तार किया है। उसके पास से 2 किलो 650 ग्राम अफीम बरामद हुई है। तस्करों को FIR दर्ज करके जेल भेज दिया गया है। छात्रा की मौत के जिम्मेदार एक आरोपी ने कोर्ट में किया सरेंडर। संजय नगर में रहने वाली 16 साल की छात्रा ने बीते दिनों जान दे दी थी, क्योंकि मोहल्ले के रहने वाले दबंग ऋतिक ठाकुर, आकाश ठाकुर, लकी लपेड़ा और हिमांशु ने उसके मंगेतर आलोक को जमकर मारा पीटा था और उसके फोन से छात्रा को कॉल करके उसे मार डालने की बात कही थी। यह सदमा छात्रा बर्दाश्त नहीं कर सकी थी और जान दे दी थी। छात्रा की मां सरिता ने चारों आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस आरोपियों की तलाश में लगी है। इस बीच आरोपी लकी लबेड़ा ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया। बारादरी थाना इंस्पेक्टर का कहना है कि अन्य आरोपियों की तलाश में दबिश दी जा रही है। फिलहाल आज के बरेली बुलेटिन में इतना ही। बरेली से जुड़ी ऐसी अन अपडेट्स जानने के लिए द लीडर हिंदी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।